नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। नसरुद्दीन शाह ने हाल ही में अपनी वाइफ रत्ना पाठक के साथ अपनी शादी के बारे में बात की। उन्होंने देश में धर्म को लेकर हो रही राजनीति पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा दिनों में देश में धर्म भी राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ऐसे में उन लोगों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं जिन्होंने किसी दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से शादी की है। उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने कभी भी रत्ना को धर्म बदलने को नहीं कहा। नसरुद्दीन और रत्ना पाठक की शादी को 41 साल हो चुके हैं। नसरुद्दीन शाह ने नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में ओपन लेटर के जरिए बताया कि रत्ना पाठक से उनकी शादी कैसे हुई थी। उन्होंने कहा कि आज देश में धर्म राजनीतिक हथकंडा बन गया है, इस वजह से लोग मेरी और रत्ना की शादी पर भी सवाल उठा रहे हैं। नसरुद्दीन ने कहा, मेरे मन में रत्ना से शादी करने को लेकर कभी भी कोई सेकेंड थॉट नहीं आया और न ही मुझे कभी इस बात का कोई पछतावा हुआ कि मैं किसी हिंदू से शादी कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी को 48 सालों के बाद किसी एक्स कैबिनेट मिनिस्टर के पति मेरी शादी पर सवाल उठाएंगे। यहाँ नसरुद्दीन शाह ने एक्स कैबिनेट मिनिस्टर सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का जिक्र किया है। नसरुद्दीन ने आगे कहा, उस समय मुझ पर लव जिहाद को सपोर्ट करने का आरोप लगाया गया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।